वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, हमारे पास टैलेंट मौजूद है। कौन कहता है टैलेंट की कमी, हमारे पास आज एक आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो स्केचेस भी बनाती हैं और क्या क्या करते हैं यमुनी से जानेंगे। अलीना नईम हमारे साथ मौजूद होंगी और सिंगर है हमारे साथ शाबान मुश्ताक, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कैसे आप? थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अच्छा, वेलकम, ठीक हो गया। अलीना, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे स्केच आर्टिस्ट तो आप हैं, इसके अलावा आपके क्या शौक हैं, क्या करती हैं? शौक तो बहुत ज़्यादा है, मैं कैलीग्राफी भी कर लेती हूँ, शीशे तोड़ के उनसे भी काम कर लेती हूँ, दीवार पे पेंटिंग्स कर लेती हूँ। और आई थिंक कि शीशे तोड़ कर दीवार पे काम करती हूँ, ये कुछ साइज में समझ नहीं आई और मुझे लगता है तुम गुस्सा उतारती हो दीवारों पे। कह सकते हैं थोड़ी सी एग्रेशन होती है, लेकिन आप जब वो चीज़ क्रिएट कर देते हो तो आपको खुद बाद में पता नहीं लगता है। मैंने ये मैं बना सकती हूँ। अच्छा, लेकिन आर्ट आई थिंक हर चीज में होता है, आप जब खाना भी बनाते हो, आप लोगों के सामने जब प्रेजेंट करते हो तो वो भी एक आर्ट ही है। आप जब गार्निश करते हो, हमारी अम्मी को भी कोई समझा दे कि हम ये आर्ट ही करते हैं। अच्छा अलीना, मैं जानना चाहूंगी शौक कैसे हुआ? शौक मुझे बचपन से ही था, मेरी अम्मी आई थिंक, मुझे लगता है उनके अंदर कूट कूट के आर्ट भरा। अच्छा। वो दीवारों पे काम करती रहती हैं और मेरी खाला एनसीए की ग्रेजुएट हैं। Okay. तो जूट पे काम करती रहती हैं, गेट्स के साथ डेली गेट वगैरह जाती हैं। तो बस आई थिंक इनहेरिटेड है, जीन्स में ही होता है। Lovely, तो lovely. बस यही है। और तो अभी तक अभी मैं आपसे और भी बात करते हैं। शाबान आपकी तरफ आएंगे, आप कौन से प्रोजेक्ट से आजकल काम कर रहे हैं? मैं आजकल जो है, मैंने बताया था कि एल्बम खत्म हुआ है तो वीडियो शूट चल रहे हैं और काफी हैक्टिक रूटीन हुआ है, यानी कि सुबह में शूट, शाम को फिर स्टूडियोस, मास्टरिंग, मिक्सिंग, तो एंटायरली जो है वो। कब तक आपका ट्रैक है कोई चीज रिलीज? अच्छा, अभी जो ट्रैक है इंशाल्लाह, अभी हमारे पास मुहर्रम आ रहा है तो राइट आफ्टर द मुहर्रम तो हमारे ऑफिशियल्स जो है स्टार्टेड रिलीजिंग इन द मार्केट एंड यू पीपल विल लव दैट। और मैं आपसे कहूंगा कि सारी अपडेट्स के लिए मेरे फेसबुक फैन पेज को जरूर ज्वाइन कर लें, आप पे भी करना। हाँ बिल्कुल, शाबान मुश्ताक के नाम से जनाब इनका पेज है, जरूर विजिट भी करें, ज्वाइन भी करें और इनके गाने भी सुनेंगे। शाबान से फरमाइश करेंगे, लेकिन उससे पहले अलीना, ये जो सामने एक हमारे एक पड़ा हुआ, ये क्या है, क्या किया, क्या है? ये जिस तरह आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट पैटर्न है, बिल्कुल हर कपड़े पे, हर साइड पे डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, तो उसको सिया हुआ साइड से और बीच में इतना सा पीस वैसे ही पड़ा हुआ था। आप यूजली लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पीस होता है उसको फेंक देते हैं या किचन में यूज कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, वेलवेट पड़ी हुई थी उसको उसके ऊपर सिया, उसके ऊपर फिर लेस एक सिंपल ली, उसके ऊपर लेस लेके सिंपल सा चौक से लिखा है मोहम्मद और उसके बाद उसको पेंट कर दिया सिंपल, और वो उसको देख के ऐसा लगता है अच्छा लग रहा है। अच्छा, आर्टिस्ट की फिर ज्यादा होती है कि घर में भी अगर आपके कोई आर्टिस्ट है, सारी बच्ची खुची चीजें वो इकट्ठे करेगा और उसके बाद वो कुछ ऐसी बनाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो अलीना के साथ भी यही होता है। शबाज, आप क्या सुनाने वाले? अच्छा, मैं आपको एक कवर सॉन्ग सुनाता हूँ, इट्स है अपना दिल तो आवारा, जरा फंकी सा ट्रैक है, सो यू पीपल विल लव दैट, है अपना दिल तो आवारा, जरूर सुनेंगे हम सब। जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने
जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सॉरी मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हमें आप लोगों को विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और हमें इजाजत लेनी है अपने देखने वालों से। जनाब आपसे मुलाकात होगी कल, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।